घर में जाके अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए यार, उनका राइट है यार। बच्चे सारा दिन इंतजार करते हैं हमारा, सारा दिन इंतजार करते हैं। नौजवानों से कहना चाहूंगा, मोबाइल लिया छत पे चले गए, दूसरे कमरे में चले गए, साइड पे चले गए, दो दो घंटे बातें करते रहे। ईमानदारी से बताओ, तेरे घर में तेरी जवान बहन है, तेरी जवान बेटी है, तेरी जवान बीवी है, उसके दिल में क्या गुजरता होगा? जिसने तेरी नस्ल को पालना है, तेरी नस्ल को पालना है जिसने तेरी। आप काम करने वाले लोग हैं, एक डाई होती है ना, डाई डाई समझ, जिसमें वो जूतों का तला बनता है ना, डाई उसे कहते हैं ना, सच्चा है ना, नहीं सोल तो बनता है ना, जिसमें सोल बनता है डाई होती है ना। जो डाई होती है वो जिन्ना फर्क हो गया ना, जिन्नी प्रोडक्ट बनाओगा उन्होंने फर्क है, गलत है सही है? डाई जिन्ना फर्क होगा सोल च उन्ना फर्क। वो जो औरत है ये डाई है, डाई इसमें जितना फर्क आएगा तुम्हारी नस्ल में उतना फर्क आएगा। ये जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी तुम्हारी नस्ल नीट एंड क्लीन होगी। मियां मोहम्मद बस सुनाते हैं, आप मतने वर्ड तुमने दी कौड़ी होती सड़े पतना सड़े पियां जे हो जाए बेटियां मामा मोहम्मद हो जाए बेटियां तियां। मेरे भाइयों हमें घर जाके ना यार, हम सारी जिंदगी बयान सुनते रहे ना, सारी जिंदगी सुनते रहे। मैं तो पहली मरतबा यहाँ, मैंने तो आपसे पहले गुजारिश की है यार, मैं तो मतलब उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा हूँ, मैं तो उलमा जब जूतियां झाड़ते हैं तो मेरे जैसे जर्रे गिरते हैं। मैंने तो आपको गुजारिश ये की है यार, खुदारा हमें अपने घरों पर टाइम देना चाहिए, अपने कारोबार को हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, हमें अपने घर में अपनी जात पे तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मेरा जाति किरदार क्या है। बस वो जिस मसले से तल्लुक रखता है, हम सुन्नी लोग हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, हमें अपना मसला बयान करने का हक है। किसी के मसलों को हम छेड़ते नहीं है, अपने मसलों को हम छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों आपसे भी गुजारिश है, आज एक अहद करके जाना यार, जिसके घर में बेटियां हैं ना उसको टाइम देना यार। आप देखो तो तुम्हारे घर में बरकतें कितनी होती हैं, अपनी बेटियों में पैसा खर्च करो यार। जिसके घर में जिसकी बहन है ना, बहन है, बहन की शादी कर दी है, बहन की शादी कर दी, नाराजगी भी हो यार। यकीन जाने बहनों ने ना, बहनों ने अपने ससुराल में भाइयों के बड़े पुल बांधे होते हैं, आपको पता ही नहीं है। मेरे भराज करते ने, मेरे वीरा ने अंज किया है, मेरे वीरा अंज करते ने, मेरे वीरा अंज करते ने, आपको पता ही नहीं होता। जब भी कभी बहन के घर में जाएगा तो कभी खाने में जाएगा, आपको पता ही नहीं है उसने अपने ससुराल में तुम्हारे कितने पुल बांधे हुए हैं। तो कल एक बात को बयान कर रहा था, मेरे पास एक बच्ची पढ़ती थी पहले उधर हमारे इदारे में, तो एक दिन आगे करे पीर साहब मुझे आप अपने घर में ना नौकरी दे दी। मैं क्या बेटा नौकरी आपका भारत तो बड़ा अमीर नहीं है आदमी, कहने पीर साहब मुझे अपने घर में नौकरी दे रहे हैं, तीन बहनें हैं, हमारे घर का खर्चा नहीं चलता, नौकरी दे रहे हैं यहाँ इसलिए नौकरी करना चाहते हैं, कम अज कम मेरी इज्जत तो महफूज रहेगी। यार एक और बात भी याद रखे, नाराज नहीं होना मेरी बातों से यार, हमारे घर में बाहर कितनी ठंड है देखो, है ना सर्दी बाहर। यार एक बात तो बताओ, हमारे घर में जो काम करने वाली बच्चियां छोटी छोटी यार, ठंडे ठंडे पानी से छोटे छोटे हाथों से हमारे बर्तन धोती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं यार, नहीं धोती क्या वो किसी की बेटियां नहीं है यार? कितना बदबख्त है यार, उन बेटियों को गंदी निगाह से देखे यार, हाथ धो गए यार, जुल्म की भी हाथ धो गई। जो बेटी तेरे घर में काम करती उसको गंदी निगाह से देता, अल्लाह के अजाब से डर, खुदा की कसम उसको गरीब करके देख नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी